हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एसएससी सक्सेस पॉइंट। डियर स्टूडेंट, यहां पर हम ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं। एग्जाम में बच्चों अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी क्वेश्चन के बेस पर आएगा, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर बच्चों अगर आप नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं और इस क्वेश्चन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए बच्चों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहां पर जाइएगा, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज के हमारे इस वंडरफुल सेशन को। तो देखो बच्चों, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या पूछा गया है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछा गया है। मतलब यहाँ पर आपको इसी तरीके से पूछा जा सकता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन ग्रेविटेशन, एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसमें आपको क्या लिखना है, देखो इसको अपने इसके अंदर आपको लिखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वीकेस्ट फोर्स है ऑफ द नेचर, नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है और ये डिपेंड होता है मास पर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। एंड ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, डिस्टेंस को, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, अगर ये चीजें अगर वहां पर अगर आप लिख पाओ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा बच्चों, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फुल मार्क्स वहां पर मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है, राइट द थ्री लॉज गिवन बाय द केपलर, यानी केपलर के ऊपर बच्चों आपको क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो केपलर के तीन लॉ है बच्चों, याद रखो। पहला लॉ देखो बच्चों हमें क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाय। मतलब क्या है बच्चों, जो प्लैनेट है ठीक है, जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, उसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्स है और एक फोकस पर क्या है बच्चों, सन है, ये हमें पहला लॉ बताता है। अब सेकंड लॉ बच्चों देखो हमें क्या कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन इफ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अगर सन और प्लैनेट के बीच में अगर एक लाइन खींच दे, ये लाइन क्या करेगी, इक्वल एरिया कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये सेकंड लॉ। थर्ड लॉ देखो बच्चे क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब टी का स्क्वायर यहाँ पर बताया गया है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब ये जो टी का स्क्वायर होता है ना, ये आर क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना होगा। यहाँ पर देखो बच्चों ये है डायग्राम, ठीक है, ये देखो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और सन एक फोकस पर है, तो पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ बच्चों देखो, लाइन अगर ज्वाइन करते हैं तो ये एरिया, ये जो लाइन है ना, ये इक्वल एरिया कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये दूसरा लॉ होगा। तीसरा लॉ हम ये कहते हैं बच्चों, ये जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का जो स्क्वायर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट एंड सन। ये थोड़ा सा ये लॉ ये थी, थोड़ा सा यहाँ पर याद रखो ठीक है। और जब ये इसे आप एक्सप्लेन करोगे तो ये डायग्राम निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायग्राम निकालोगे तो आपको यहाँ पर आउट ऑफ मार्क मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द फोर्स इज नेसेसरी, फोर्स क्यों जरूरी है। देखो बच्चों, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में, उसका डायरेक्शन चेंज करना है, उसका मोशन अगर चेंज करना है, तो उसके लिए बच्चों आपको फोर्स की जरूरत होगी, फोर्स वहां पर नेसेसरी होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर क्या करना है बच्चों आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, ठीक है। देखो बहुत आसान है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये कह सकते हो। ऐसा भी कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स, या फिर ग्रेविटेशनल इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, बस ये भी इसके क्या हो गए,
कैरेक्टर्स की ही होगी, हमें क्या करना था, एक ही एक्सप्लेन करना था, तो इसमें हमने यहाँ पर एक ही लिख दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द वन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल बताना है, बहुत एग्जाम आसान है। देखो द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। आप क्या होता है, मून रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एग्जाम्पल हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर बच्चों देखो आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी, यानी कैपिटल जी, ये है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसकी पूछा जाएगा तो बच्चों इसका आपको वैल्यू पूछा जाएगा, अदरवाइज इसका यूनिट पूछा जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, देखो कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो है बच्चों 6.673 × 10⁻¹¹। ये है बच्चों इसकी वैल्यू, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप इस किलोग्राम का अगर ऊपर लेकर आओगे तो माइनस स्क्वायर बनेगा, तो इस तरीके से भी आप वहां पर लिख सकते हो। तो इसका आपको वैल्यू याद रखना है और इसका यूनिट याद रखना है, बाकी की चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूछा गया है, वो पूछा गया है चेक द इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। देखो बच्चों आपको पता है कि न्यूटन साहब ने न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, किसके ऊपर नहीं होता है, ये सारी चीजें वहां पर हमें पता चली है। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। द फोर्स दैट बाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, यहाँ पर बाइंड चाहिए, ठीक है थोड़ा सा करेक्ट कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को बाइंड करता है ऑन द अर्थ, मतलब हम अर्थ के ऊपर है, क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अदरवाइज हम इधर भी फ्लोट करते इधर उधर चले जाते, लेकिन हम अर्थ के ऊपर बाइंड है, अर्थ को चिपके हुए हैं एक जगह पर है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों द मोशन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज पॉसिबल, सैटेलाइट का जो मोशन होता है वो पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है मोशन ऑफ प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, कॉमेट एक्सेट्रा पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। टाइड ऑफ द सी ड्यू टू मून एंड सन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है बच्चों, जो टाइड वगैरह आते हैं ना वो भी आते हैं बिकॉज ऑफ मून एंड सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। उसके बाद देखो बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है उसे यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से। देखो बच्चों टेक द न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्रेस इट मैथमेटिकल फॉर्म। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर क्या करना है, न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन आपको स्टेट करना है, उसके साथ उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। देखो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द डेफिनेट फोर्स। और आप सभी को बताए बच्चों एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द डेफिनेट फोर्स, यानी इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे क्या करते हैं, एक दूसरे को डेफिनेट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसको, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो मैथमेटिकल फार्मूला इसका क्या बनेगा, ये बनेगा फोर्स प्रोपोर्शनल टू द एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है इसका, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है। लेकिन अगर आप इस साइन को अगर निकाल दो, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर निकाल दो तो वहां पर आपको कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट लेते हैं कैपिटल जी। तो हमारा ग्रेविटेशन का फार्मूला ये बनता है एफ इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वायर। अगर इसका अगर आप यूज करोगे बच्चों तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, ये थोड़ा सा याद रखो। उसके बाद देखो बच्चों ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है मास और वेट का डिफरेंस। अब ये तो एग्जाम ये सिलेबस से आउट हो चुका है, ठीक है, लेकिन हम ट्राई करेंगे इसे सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, पता नहीं हो सकता। देखो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मास भरा हुआ होता है ना, जो मैटर भरा हुआ होता है वो होता है मास, ठीक है। अब वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स दैट एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जो फोर्स लगाती है ना उसे हम कहते हैं वेट, ठीक है। अब मास तो बच्चों होता है
रिमेन सेम एवरीवेयर, मास कहीं पर भी चले जाओ सेम होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो वेट होता है ना ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। वेट क्या होता है? प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, क्योंकि जो वेट होता है वो होता है एम इन टू जी, और आप सभी को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। उसके बाद है मास इज मेजर्ड इन अ किलोग्राम, आपको सभी को पता है मास होता है वो किलोग्राम में हम मेजर करते हैं, और जो वेट होता है इज नथिंग बट द फोर्स, दैट्स व्हाई इट्स यूनिट विल बिकम अ न्यूटन। ठीक है, मास एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि वेट क्या करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है, इसकी वजह से उसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो है ही, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा वेट। और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम अ जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो जीरो बन सकता है, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा बच्चों याद रखो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बनती है। और बच्चों उसके बाद आते हैं हम राइट द साइंटिफिक रीजन, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बच्चों देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इज ग्रेटर एट द पोल देन द इक्वेटर, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हमारी अर्थ है, हमारे अर्थ पर क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना वो इक्वेटर पर लेस है, और पोल पर क्या है बच्चों मोर है, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो बच्चों इसका आंसर यही पर है, द रीजन इज दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल एंड सो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट सेंटर डिफर समव्हाट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बच्चों यहां पर हमें ये बताया गया है कि जो हमारी अर्थ है ना वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, इसके वजह से क्या होता है कि हमारे अर्थ का जो रेडियस है वो इक्वेटर पर थोड़ा सा ज्यादा होता है और पोल पर थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि हमारे जो अर्थ है ना ड्यू टू इट्स रोटेशन ये बन चुकी है बल्गेस एट द इक्वेटर एंड फ्लैटर एज द पोल, तो इसके वजह से क्या होता है इक्वेटर पर डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, और जहां पर रेडियस कम होगा पोल पर तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी बच्चों ज्यादा होगी। ठीक है, देखो इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल सो दैट द वैल्यू ऑफ जी इज द ग्रेटर एट द पोल, और इसकी वजह से क्या होता है बच्चों की जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो पोल पर थोड़ी ज्यादा होती है। कैसे हो, देखो आपको फार्मूला पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये फार्मूला होता है अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर r मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर डिक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें देखो एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आसान है ना। तो यहाँ पर देखो इक्वेटर पर r बढ़ रहा है मतलब रेडियस बढ़ रही है, लार्जेस्ट रेडियस है इक्वेटर पर मतलब वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी, और पोल पर रेडियस कम है तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, इतना याद रखो। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज एज वी गो अबोव द अर्थ सरफेस, यानी अगर हम अर्थ के सरफेस से अगर दूर जाए तो वहां पर क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। क्यों होती है, देखो अर्थ का रेडियस है मतलब ये आर, और अर्थ के सरफेस से हम कुछ हाइट दूर गए मतलब एच, तो अब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बनेगा जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। देखो बच्चों एज यू नो दैट द जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, सो एज वी गो अवे फ्रॉम द अर्थ सर्फेस द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट गेट इंक्रीज, यानी अगर हम अर्थ सर्फेस से दूर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी डिक्रीज होगी, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो दैट द वैल्यू ऑफ द जी इज डिक्रीज एज वी गो अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कितना आपको याद रखना है, ये बेसिक से क्वेश्चन है, आपने अगर बार बार ये वीडियो देखा ना तो आपको सारी चीजें यहाँ पर लर्न हो जाएंगी। ठीक है,
बार बार वीडियो देखो बच्चों, सारी चीजें आपको लर्न हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है, कंटिन्यू में लेकर आऊंगा वीडियो आपके लिए। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। मतलब अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे ना, वहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, ऐसा क्यों? देखो बच्चों इसका रीजन क्या है, आप सभी को पता है बच्चों जो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है ना वो इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है एज पर द फार्मूला। ये फार्मूला है उसका जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला। अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, हाउएवर द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीज। मतलब हम अर्थ के अंदर जितना अंदर जाएंगे तो उतना ही मास क्या होगा उस अर्थ का कम होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसके वजह से क्या होगा बच्चों, यम होता है ना, यम का मास डिक्रीज होगा इस फार्मूले में, और यम का मास कम होगा तो क्या होगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है एज वी गो इनसाइड द अर्थ। ठीक है, ये कंबाइन इफेक्ट होता है रेडियस का और मास का, क्योंकि यहाँ पर देखो रेडियस कम हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है, मास कम हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है, इस दोनों का कंबाइन इफेक्ट हमें वहां पर देखने को मिलता है। तो बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। व्हेन वी ड्रॉप द फीदर एंड स्टोन एट द सेम टाइम फ्रॉम द हाइट द स्टोन रीच द अर्थ फास्टर देन द फीदर। अगर हमने स्टोन को और फीदर को सेम टाइम अगर रिलीज कर दिया तो हम देखते हैं कि स्टोन जल्दी से पहुंच जाता है ग्राउंड पर, ठीक है, देन द फीदर, ऐसा क्यों होता है? देखो बच्चों आपको पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है मतलब स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है ये इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब स्टोन का मास कितना है या फिर फीदर का मास कितना है इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब आप सबको पता है स्टोन एंड फीदर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट डू नॉट रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। देखो बच्चों अगर हमने एयर में यहाँ पर एक स्टोन को और फिदर को सेम टाइम पर अगर रिलीज कर दिया तो दोनों भी सेम टाइम पर नहीं पहुंचेंगे ग्राउंड पर, स्टोन जल्दी पहुंचेगा और कुछ देर बाद फिदर पहुंचेगा, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब क्या होता है बच्चों आपको पता है एयर क्या बनती है, एक ऑब्स्टेकल बनती है इन द वे ऑफ द स्टोन एंड फिदर, ठीक है। आपको पता है कि स्टोन का मास ज्यादा होता है और वो लेस एरिया कवर करता है, इसके वजह से जो एयर रेजिस्टेंस होता है दैट कांट बी ऑब्जर्व ऑन द स्टोन, यानी जो एयर रेजिस्टेंस होता है ना वो हम उस स्टोन के ऊपर ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ द फीदर इज मोर, एरिया ऑफ द फीदर इज मोर देन इट्स वेट। तो इसके वजह से क्या होता है जो एयर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हम ऑब्जर्व करते हैं उस फीदर पर, इसके वजह से इट टेक्स सम टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड। अब देखो बच्चों वेट के बारे में यहां पर पूछा गया है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज ऑन डिफरेंट प्लैनेट, यानी अलग अलग प्लैनेट पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो अलग अलग होता है, क्यों? देखो बच्चों अब वेट क्या होता है आपको पता है, वेट इज नथिंग बट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाती है ना वो होता है वेट, और उसका फार्मूला होता है बच्चों देखो एम इंटू जी, क्या होता है एम इंटू जी। आप सभी को पता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, तो इसका मतलब है कि वेट भी चेंज होगा प्लेस टू प्लेस, ठीक है, इतना याद रखो। अभी वेट होता है ना बच्चों ये मास पर डिपेंड होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड होता है, और आप सभी को पता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है बच्चों, ये डिफरेंट होती है फॉर द डिफरेंट प्लैनेट, सो दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट, ठीक है, यानी हर एक प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अलग अलग होता है, इसके वजह से हर प्लैनेट पर वेट भी क्या होगा अलग अलग होगा, वेरीज करता है। उसके बाद देखो बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। देखो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब बच्चों क्या होता है कि आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये फोर्स हम लगा रहे हैं, ये फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, अगर ये फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी,
द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, उसके बाद देखो व्हाट इज द फ्री फॉल. अब फ्री फॉल क्या होता है, देखो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ग्रेविटी अलोन इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली. इसका मतलब है अगर कोई भी बॉडी अगर फॉल कर रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, दूसरा कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है और उसके वजह से वो बॉडी मूव कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे फ्री फॉल. ठीक है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन इट सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली. ठीक है, ये भी याद रखो. और फ्री फॉल पॉसिबल होता है ओनली वैक्यूम, ये भी थोड़ा सा इसमें ऐड करो. फ्री फॉल इज ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम. ठीक है, इतना ऐड करो और लिख लो. उसके बाद देखो बच्चों व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, देखो बच्चों हमारी अर्थ है और अर्थ के कई किलोमीटर तक क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है. अगर हमें उससे बाहर जाना है, मतलब हमें अगर हमेशा के लिए अर्थ को अगर लीव करना है, छोड़ना है, तो हमें क्या करना होगा, उस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना होगा. ठीक है, तो उस बाहर जाने के लिए जो वेलोसिटी हम किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी. देखो डेफिनेशन क्या बनती है, द लोवेस्ट वेलोसिटी विच बॉडी मस्ट हैव इन ऑर्डर टू एस्केप द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्लैनेट और अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी. ऐसा भी लिख सकते हो द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी. और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है अर्थ की, अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. तो ये भी थोड़ा सा लिख लो, यहाँ पर हेल्प मिलेगी आपको मार्क लेने में. तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन लगभग यहाँ पर हमने बच्चों डिस्कस किए हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने देखो आप बुक में जितने भी क्वेश्चन गिवन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन ग्रेविटेशन चैप्टर, उस सारे क्वेश्चन बच्चों हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं. तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड होंगे. मैं एक्चुअली मैं लाइव आ रहा था लेकिन लाइव में मुझे नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, इसके वजह से मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों ऑफलाइन ही क्लासेस आपके लिए लेकर आऊंगा.